मंकी टी ड्रैगन, जिसने नॉट ओनली पूरी गवर्नमेंट को हिला के रखा है बट ऑल्सो वो पूरे के पूरे टाइड को कंट्रोल करता है ऑफ द वर्ल्ड अपने इस मिथिकल डीटी फ्रूट के साथ आमारू। जब से ये गोरोसे के डेविल फ्रूट रिवील हुए हैं, वन पीस ने हमें ये बताया है कि यहाँ पे कई हिस्टोरिकल डीएटी है जो कि हमें जोन फ्रूट के थ्रू रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर सेन गोकू का बुद्धा फ्रूट इनफ नहीं था, देन दिस श्योर इज। लेकिन इस चीज को समझने के लिए कि आखिर ड्रैगन के पास कौन सा डेविल फ्रूट है, हमें थोड़ा सा टाइम में काफी पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाते हुए 55 ईयर्स अगो फ्रॉम द करंट स्टोरी, ड्रैगन का जन्म हुआ था गोवा किंगडम के ईस्ट ब्लू में, जहाँ पे उसके डैड थे मंकी टी गाप और एक अननोन वुमन के साथ वो पैदा हुआ। कई थ्योरीज ये कहती है कि ये औरत एक सेलेस्टियल ड्रैगन थी या फिर उनसे रिलेटेड। ये चीज एक्सप्लेन करेगा ड्रैगन के नेम को और आखिर उसका एग्जिस्टेंस सबको तंग क्यों करता है। ये ऑल्सो मैच करेगा उसके इंस्पिरेशन से, जो कि हमें लगता है वायु देव है। ये फर्दरमोर रीइंफोर्स्ड है क्योंकि ये हाईली इंडिकेटेड है कि गोवा किंगडम वहां से आया है जहां से वो 20 किंगडम्स थे। ये काफी ज्यादा सिमिलर है जैसे ड्रेस रोसा और एलाबास्टा के, जो कि माइंड यू काफी ज्यादा सिमिलर है एज पॉइंटेड आउट बाय लूफी और साबो मल्टीपल टाइम्स। कॉमनैलिटी तो इन किंगडम में है ही, लेकिन द बिगेस्ट क्ल्यू ये था कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन सारी चीजों को असाइड करते हुए यहाँ पे अपना ट्रिब्यूट देने आता है। इन सारे चीजों की वजह से हम ये कह रहे हैं कि यंग गाप यहाँ पे एक सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ प्यार में पड़ गया था। हो सकता है कि वो जाल मैक्स का एक रिलेटिव थी। रिगार्डलेस, हमें ये पता है कि मंकी टी ड्रैगन बिना फादर के बड़ा हुआ था। सिंस गाप ने 22 ईयर ओल्ड में मरीन को ज्वाइन किया, जो कि एक साल पहले था जब वो ड्रैगन पैदा हुआ। गोवा किंगडम में बड़ा होते हुए ये कंफर्म है कि ड्रैगन ने कई एट्रोसिटीज देखी थी हायरार्की में, जहाँ पे अपर पिरामिड के लोग लोअर क्लास लोगों को बहुत ही ब्रूटली ट्रीट करते। लेकिन ड्रैगन का होप यही था कि वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, लेकिन लेटर ड्रैगन ने पॉइंट किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट अब से उसके रेवोल्यूशनरी वाली जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। थ्रू आउट ड्रैगन के अपब्रिंगिंग के कई बार ग्राप घर में आता और फिर ये आइडिया इम्प्लांट करता कि उसे मरीन बनना है, जो कि हमने बाद में भी देखा उसने सिमिलर चीज किया लूफी और एस को। हाउएवर अनलाइक मेन कैरेक्टर के, ड्रैगन इस चीज को मानता है और फिर वो एट द एज ऑफ 17 मरीन को ज्वाइन भी करता है। ये गाप का प्राइम टाइम था जब वो 39 का था और इनफैक्ट वो हीरो बन चुका था जब उसने ज़ेबेक को फेस किया। गाप पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मरीन था, लेकिन एक साल बाद यहाँ पे पूरी दुनिया पलटने वाली थी। एट द एज ऑफ 18 मंकी डी ड्रैगन अपने फादर के साथ क्रू में था और फिर वो गॉड वैली की तरफ निकल रहा था, जहाँ पे उनका मिशन ये था कि उन एट्रोसिटीज को रोकना जो कि ये 20 बिलियन बेरीज वाली क्रू फैला रही थी। यहाँ पे गाप दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट को देख रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका दोस्त रॉजर। लेकिन यहाँ पे ड्रैगन का प्रेजेंस भी अपने आप में कोई जोक नहीं था। हमें याद रखना होगा कि ड्रैगन का एज भी 18 है, जो कि काफी सिमिलर है अभी हमारे मेन कैरेक्टर्स के। ड्रैगन के यहाँ पे आने से वो कई न्यू कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कि रॉक्स, व्हाइट बियर्ड या फिर बिग मॉम, काइडो, शिंकी, रॉजर, रेली और इवन और लोग। लेकिन इससे ज्यादा कि ड्रैगन ने किसको फेस किया, ये इम्पोर्टेंट है कि आखिर ड्रैगन ने वहाँ पे क्या देखा, क्योंकि ये चीज उसके नॉलेज और उसके हर एक चीज को चेंज करने वाला था इन लाइफ फॉरएवर। एडिटर्स थोड़ा मूड क्रिएट करो। एस इस तूफान के बीच में, जो कि ईस्ट ब्लू में था, मरीन फाइनली लैंड करती है इस वैली में, जहाँ पे बस एक दिन पहले ही एक टूर्नामेंट अनाउंस हुआ था ऑफ कलिंग गेम, जहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन ने नॉन गवर्नमेंट आइलैंड को अटैक करने का ऑर्डर दिया, जस्ट फॉर फन, जस्ट ये देखने के लिए कि आखिर कौन सबसे स्ट्रॉन्गर है। इस चीज को देखने के बाद ड्रैगन को लगा कि इस दुनिया के साथ तो हर एक चीज ही गलत है। उसने पहली बार इस डार्क रियलिटी को देखा कि आखिर एक इंसान अपने फ्री विल के साथ क्या करता है जब उसके पास कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो। इवन ये ऊंचे दर्जे के लोग भी सेम क्लासिज्म प्रैक्टिस करते थे, जो कि ड्रैगन ने अपने गोवा किंगडम में देखा था। इस आइलैंड का कोई कसूर नहीं था, बस इसका नाम गॉड वैली था, जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन ने बिना किसी मतलब के अपने ईगो पे लिया और इसे बेफालतू में बड़ी बात बनाई। तब ड्रैगन को समझ में आया कि इन लोगों के लिए ये पूरी दुनिया और वो लोग कुछ नहीं है, जस्ट इंसेक्ट्स है उन लोगों के लिए जो कि उन्हें रूल कर रहे थे पूरे आइलैंड को, बस रातों रात में ही गायब करते हुए
और उन सबको स्लेव्स बनाते हुए जस्ट फॉर देयर फन। ड्रैगन ने इस चीज को देखा कि आखिर गवर्नमेंट किस हद तक गिर सकती है कि आखिर ये स्टेप्स ले। हाउएवर, लेकिन इस गेम का प्राइस ये था 6 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट ऑन द सी, जिस चीज के लिए ज़ेबक के क्रू ने यहाँ पे अटैक किया देवफोर सेलेस्टियल ड्रैगन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करते हुए। काप वहीं पे था इस चीज का इंतजार करते हुए कि इन्हें सजा दे, लेकिन मीनवाइल कोड ऑफ द मरीन यही देख रही थी इंक्लूडिंग ड्रैगन कि रॉक्सटी ज़ेबक एक क्रिमिनल है, लेकिन ड्रैगन के दिल में रियल विलन उसके पीछे थे। भले ही रॉक एक पायरेट था, लेकिन वर्ल्ड के लिए वो बस धूल को मिटा रहा था, क्योंकि हमें पता है कि ज़ेबक का क्रू ज्वाइन हुआ था ताकि वो वर्ल्ड के सिस्टम को ओवरथ्रो कर सके। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट बियर्ड का आइलैंड कॉन्स्टेंटली अटैक हो रहा था बाय रैंडम पायरेट्स, क्योंकि वो कभी हेवनली ट्रिब्यूट्स नहीं दे पाए, जिसके चलते उन्हें गवर्नमेंट से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। इनफैक्ट काइडो के केस में तो बस इसीलिए क्योंकि वो दी स्ट्रॉन्गेस्ट था। मरीन भले ही जस्टिस और आइडियल्स की बातें दुनिया के सामने करते, लेकिन इन आइलैंड्स को इग्नोर करते क्योंकि ये गरीब थे। सो रॉक्स का ये प्रॉमिस कि वो पूरे दुनिया से डिस्क्रिमिनेशन को ही हटा देगा, इस चीज ने मंकी डी ड्रैगन को काफी ज्यादा इंप्रेस किया। लेकिन ज़ेबक का ये सपना खतरनाक था, उसे द वर्ल्ड का किंग बनना था, लेकिन रॉक इस चीज के लिए एक आइडियल कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि हमने उसको एक आइलैंड में जो कि उसी के रूल के अंडर था उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे, जहां पे स्ट्रॉन्गर पायरेट वीकर वन को प्रेस करते और वो एक लॉलेस एनवायरनमेंट में रह जाते। लेकिन नॉट ओनली इस जगह पे मंकी डी ड्रैगन का आइडियोलॉजी क्वेश्चन हुआ, बल्कि उसे उसके फ्यूचर टीममेट्स भी मिले जो कि आगे जाके रेवोल्यूशनरी बनने वाले थे, कुमा, इवैंकॉक और चीनी। ये पूरी स्टोरी हमें नॉट ओनली बस ड्रैगन के बारे में काफी कुछ कहती है, बल्कि पूरे के पूरे इवैंकॉक और बाकी सारे रेवोल्यूशनरी के बारे में भी। ड्रैगन वो इंसान था जिसने वहां से सारे लोगों को भागने के लिए मदद किया, जिसे हमें ये दिखा कि अनलाइक बाकी लोगों की तरह वो सही में केयर करता है, अनलाइक बाकी मरीन्स की तरह जो कि अपने डिसीजंस को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ड्रैगन इन सारे लोगों से अलग था। उसका ये मानना था कि सेलेस्टियल बीइंग्स किसी से भी खास नहीं थे और उन्हें कोई भी अधिकार नहीं कि वो ऐसे किसी को भी ऑप्रेस्ट करे। ये वो कोर बिलीव है जो ड्रैगन मानता है। लेकिन सिंस ड्रैगन ने ये चीज को देख लिया था, अब उसे पता था कि आखिर दुनिया अपने आप में कैसे चलती है, स्पेशली कुमा की वो बात जिसमें उसने ये करी कि सन गॉड नीका आएगा और वो पूरे वर्ल्ड को डॉन में लेके आएगा। ये रेजोनेट कर बैठा ड्रैगन से, जो कि खुद भी डॉन किंगडम से आता है, जो कि बाद में नेवी बना। उसका पर्पस था कि वो लोगों को लिबरेट करे और लोगों को फ्री करे। पूरे भीड़ में हम देखते हैं कि 6 डब्बे हैं जो कि ड्रैगन फ्रूट्स है एज अ प्राइस ऑफ दिस टूर्नामेंट। सिंस ये टूर्नामेंट अपने आप में ही सेलेस्टियल बीइंग्स के बीच में था, ये चीज सेंस बनाता है कि टूर्नामेंट का प्राइस एक ओवरपावर्ड डेविल फ्रूट था। सिंस वो एक सेलेस्टियल बीइंग थे तो उनकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी थी। लेटर ऑन ये चीज इवन डोफ्लामिंगो ने भी कैरी ऑन किया, जहां पे उसके टूर्नामेंट का प्राइस भी कहीं ना कहीं एक ओवरपावर्ड डेविल फ्रूट था। इस केस में एस का फ्रूट मेरा मेरा नोमी, लेकिन इस टूर्नामेंट में अमंग बाकी सारे फ्रूट्स के साथ था काइडो का फ्रूट जो कि ड्रैगन फ्रूट है। नॉट टू मेंशन बाकी डेविल फ्रूट्स भी इक्वली ही ओवरपावर्ड है। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा कुमा का पॉपअप फ्रूट, जो कि उसने तब खाया था जल्दी से ताकि वो इस गॉड वैली से एस्केप कर सके। और इस पूरे केस में ड्रैगन को भी मिला एक मिथिकल जोन फ्रूट इंस्टेड ऑफ बीस्ट, ये एक डीएटी था। ये फ्रूट ड्रैगन के अपने आप ही पीछे आ बैठा, सिंस हमें पता है कि मिथिकल जोन के पास खुद की विल होती है। अपने यूजर को चुनते हुए मंकी डी ड्रैगन। हमारा मानना है कि ये गॉड फ्रूट इंस्पायर है साउथ अमेरिकन डीटीज से, स्पेशली आमारू बीइंग द फर्स्ट मॉडल। ऐसा कहा जाता है इन द इंका मिथोलॉजी आमारू एक ह्यूज सर्पेंट ड्रैगन डीएटी है जो कि ड्वेल करता है अंडरग्राउंड में, जो कि बिल्कुल लेक के बॉटम में रहता है, और गेटवे में इमर्ज होते हुए देखता है ऑफ द सन एक जगह में जिसका नाम है टिवाकानो। ये चीज हमें लेके आती है कि आखिर कैसे ड्रैगन गार्ड करता है सन को जो कि लूफी है, अलोंग वो खुद एक इंसान है जो कि डॉन आइलैंड से बिलोंग करता है। आमारू ये डीएटी रिलेट करता है अर्थ अंडरग्राउंड और अर्थक्वेक से।
अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी ये डीएटी या तो काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव या फिर काफी ज्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं। ये काइंड ऑफ बिल्कुल सिमिलर है ड्रैगन के, जो कि एक अनडिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो कि तंग कर रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट को। वाइल वो खुद एक प्रोटेक्टिव फोर्स है उन लोगों के लिए जो कि ऑप्रेस्ड है। रिमेम्बर कैसे कि रेवोल्यूशनरी ने मैरिजुआ में एंट्री करी थी एक अंडरग्राउंड पैसेज से। इनफैक्ट अमारू कई चीजों के लिए स्टैंड होता है, जैसे कि थंडर, रेन, विस्डम और इवन रेनबो। ये हमें एक्सप्लेन करता है कि आखिर ड्रैगन वेदर को क्यों कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अमारू प्राइमरीली एसोसिएट किया जाता है पानी से, जो कि आगे जाके एग्रीकल्चर में काम आता है, जिसके वजह से ये डीएटी अमारू काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है उसके खुद के लोगों के लिए, जो कि होंगे आयमारास, जो कि हमें लेके आता है ड्रैगन में, जो कि हमेशा जहां पे भी जाता है वहां के लोगों का भला करने का ट्राई करता है। और उसके साथ आती है ये भवंडर भरी वेदर, जहाँ पे रेन उसे फॉलो करती है। मंकी डी ड्रैगन उन लोगों के लिए पानी की तरह है जिन्हें वो ग्रो करेगा, और लूफी एक सन की तरह है जो कि इस साइकिल को कंप्लीट करेगा। कुछ दूसरे डीएटी जो कि काफी सिमिलर है वो है यापी और वायरा, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लाइटनिंग और विंड को। लेकिन सिंस हमें पता है कि राइटर दूसरे कल्चर के आइडेंटिटी, फोकलोर और आइडियाज को कंबाइन करते हैं, और यहीं पे हिंदू डीएटी वायुदेव का भी कनेक्शन हो सकता है। सिंस हमें पता है कि जापान के ये 12 रीजनल गार्डियंस जो कि बेस्ड है हिंदू मिथोलॉजी के 12 देवता से जूनिटेंस, इन जूनिटेंस के बीच में एक नाम आता है फूटन। फूटन खुद ही वायु देव है। ये इसलिए भी है क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कल्चर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा है ईस्टर्न कल्चर के लिए, और राइटर कहीं ना कहीं इसी चीज से इंस्पायर है। दैट्स द रीजन कि मंकी डी ड्रैगन को अपना फ्रूट गॉड वैली में मिला है। नॉट टू मेंशन गॉड वैली सेम डायरेक्शन में है जहां पे वायु देव है। मिथोलॉजी में वायु देव के पास ये पावर है कि वो विंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो स्टॉर्म को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये काफी सिमिलर है ड्रैगन के, जो कि काफी सिमिलर ट्रेट्स दिखाते आ रहा है थ्रू आउट दिस सीरीज। लूफी अपने आप में ही काफी ज्यादा लिंक होता है हिंदू डीएटी हनुमान से, जो कि कोइंसिडेंटली वायुदेव के खुद के सन है। कमिंग बैक टू ड्रैगन, ये गॉड वैली का इंसिडेंट उसके लाइफ की हर एक पर्सपेक्टिव को चेंज करने वाला था। जब मंकी डी ड्रैगन को ये टाइटल मिला ऑफ ए हीरो, यहाँ पे मीडिया ने उस हॉरिफिक एक्ट को कवर अप किया जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन वहां पे कर रहे थे। सो ये इवेंट जहाँ पे मंकी डी ड्रैगन ने रॉजर, व्हाइट बियर्ड और इवन सेलेस्टियल बींग जैसे लोगों के हाथ से कुछ ऐसी चीजें को होते हुए देखा, जिसकी वजह से उसने हर एक चीज को क्वेश्चन करना स्टार्ट करा, इस कंक्लूजन में पहुंचते हुए कि कोई भी कैरेक्टर ट्रूली अच्छा नहीं है, कोई भी कैरेक्टर ट्रूली बुरा नहीं है। सो 5 साल बाद जब ड्रैगन अभी भी मरीन में था, सो वो ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे अब टाइम आ चुका है कि वो बहुत सारे चीजों को चेंज करे। ये वही टाइम था जब फ्यूचर एडमिरल्स अकाइनू और किजारो जैसे लोगों ने नेवी को ज्वाइन करा। चाइनीज मिथोलॉजी में एक स्टोरी है जो कि इस वन पीस के प्लॉट में काफी बेहतरीन तरीके से प्लॉट होता है। माना जाता है कि 3 एनिमल और एक वाइट ड्रैगन सी को प्रोटेक्ट करते हैं। वो एनिमल थे रेड डॉग, जो कि अकाइनू होगा, ब्लू फिशन, जो कि होगा कुजान, येलो मंकी, जो कि होगा किजारू, और एक व्हाइट ड्रैगन, जो कि होगा ड्रैगन। मिथोलॉजी में भी बिल्कुल स्टोरी की तरह ही ये एक इविल किंग को सर्व करते हैं। व्हाइट ड्रैगन इनमें से एक था जो कि किंग के एट्रोसिटीज को नोटिस करता है और वो उस किंग को छोड़ देता है। ये काफी बढ़िया फिट करेगा उस स्टोरी में जो कि हमने जस्ट कुछ देर पहले कहा कि ड्रैगन ने कुछ ऐसा होते हुए देखा था इन गॉड वैली कि उसे किंग को छोड़ना पड़ा। लेकिन अनलाइक ड्रैगन, इन 3 एडमिरल्स ने अपने ही एक सेंस ऑफ जस्टिस को बनाया जिसको वो खुद फॉलो करते। आउट ऑफ ऑल 3, एक एडमिरल जो कि ड्रैगन से डायरेक्टली लिंक करता है वो है अकाइनो। इन दोनों के पास काफी सिमिलर पोज था, दैट्स द रीजन कि इन दोनों का एज भी काफी सिमिलर है। लेकिन पैथ जो कि इन दोनों ने चूज करा है ये काफी डिफरेंट था। अकाइनो वो एडमिरल बना जिसने अपने सेंस ऑफ कंट्रोल को लूज किया और गवर्नमेंट के साथ ही चलता रहा, जिसकी वजह से उसका जस्टिस फॉर्म हुआ एब्सोल्यूट जस्टिस। वेल ड्रैगन ने अपने ही फेट को फुल कंट्रोल करने का सोचा, देयरफॉर एक अल्टीमेट अपोजिंग फोर्स ऑफ गवर्नमेंट को क्रिएट करते हुए 2 साल बाद जब मंकी डी ड्रैगन 25 साल का हुआ तब उसे मिला कुजान। भले ही उन दोनों के बीच में काफी बढ़िया इंटरेक्शन ना हुआ हो, लेकिन ये हमें पता है कि वो हाईली एडमायर करता है मंकी डी गाप को, क्योंकि टाइम बाय टाइम हमने देखा है कि गाप एडमिरल की पोस्ट को रिजेक्ट करता है। लेकिन ये 5 साल बाद था कि ड्रैगन नेवी को छोड़ने वाला था ताकि वो अपने लिबरेशन आर्मी को क्रिएट कर सके। दैट्स द रीजन कि नेक्स्ट टाइम जब वो हमें एनिमे में दिखता है वो था जब वो एज 31 का हुआ।
उस इनफेमस रॉजर के एग्जीक्यूशन में। नॉट टू मेंशन उसने इस बार अपना आइकॉनिक क्लोक पहना हुआ था। ये क्लोक हमें हाईली इंडिकेट करता है कि एट दैट मोमेंट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसके पीछे पड़ चुकी थी। ये ऑफ कोर्स ही बात होगी क्योंकि एट दैट पॉइंट वो ऑलरेडी कैप्टन बन चुका होगा ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। और इसी स्मॉल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के चलते वो इवेंचुअली मिल पड़ा वेगा पंक से। ड्रैगन इंस्टेंटली चाहता था कि वेगा पंक जैसा इंसान उसके आर्मी में हो। आफ्टर ऑल ये 500 इयर्स अहेड वाला ब्रेन कौन नहीं चाहता। लेकिन वेगा पंक ये जानता था कि मंकी डी ड्रैगन काफी ब्रोक है और वो उसके इन्वेंशंस मतलब उसके सपनों को पूरा करने में उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। दैट्स द रीजन कि उसने तब एट द मोमेंट उस ऑफर को डिक्लाइन करा। लेकिन इस चीज का ये मतलब नहीं बना कि वेगा पंक और मंकी डी ड्रैगन ऑपोजिट साइड्स में थे। एज दो साल बाद राइट आफ्टर द ओहारा इंसिडेंट ड्रैगन वापस से वेगा पंक को मिलता है। ये इंसिडेंट कुछ महीनों के बाद था आफ्टर द ओहारा इंसिडेंट जहां पे बस कुछ चंद लॉ बुक्स बाकी थे जिन्हें भी लेक में फेंका गया था, जिन्हें एलबैफ के जायंट्स वहां पे रिकवर कर रहे थे जो कि कहीं ना कहीं ड्रैगन का किया करा था, जो कि ये हाईलाइट करता है कि उसके एलबैफ के जायंट्स के साथ काफी बढ़िया रिलेशन थे। ड्रैगन यहाँ पे इसलिए भी आया था क्योंकि उसके काफी बढ़िया रिलेशन थे विद डॉक्टर क्लोवर। जब ड्रैगन ने ये डिजास्टरस न्यूज सुना देन वो यहाँ पे इसलिए भी आया था ताकि वो क्लोवर को आखिरी ट्रिब्यूट दे सके। ये हमें हिंट देता है कि मंकी डी ड्रैगन कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ भी काफी फैमिलियर होगा और वॉइड सेंचुरी से भी कि आखिर इसका क्या मतलब था। लेकिन इवन इस पॉइंट तक हमें लगता है कि ड्रैगन भले ही एक मिलिट्री ग्रुप का एक लीडर था लेकिन कहीं ना कहीं उसे वायलेंस पसंद नहीं था। उसे बस ये चीज पसंद नहीं था कि आखिर इस वर्ल्ड में ज्यादा क्वेश्चंस पूछना अलाउ क्यों नहीं है। लेकिन ये ओहारा इंसिडेंट काफी बड़ा इंसिडेंट था जिसके चलते उसके आइडियोलॉजी में काफी बड़ा चेंज आया, जहां पे उसको रियलाइज हुआ कि आखिर उसके मिलिट्री को किस चीज की जरूरत थी और आगे जाके उसने एक फुल ऑन मिलिट्री बनाया जो कि इस चीज के कैपेबल था कि अगर ओहारा जैसा इंसिडेंट उसके यहाँ होती है देन उसकी आर्मी फाइट बैक कर सके। देखो मंकी डी ड्रैगन ने एक न्यू आर्मी को फॉर्म करा जिसका नाम था रेवोल्यूशनरी आर्मी। यही वो टाइम था जब उसने पहली बार अपने इस इनफेमस टैटू को अपने फेस में लगाया। ये टैटू काइंड ऑफ एक न्यू साइन की तरह था जो कि ये दिखाता कि ये मंकी डी ड्रैगन एक नया मंकी डी ड्रैगन है जिसके नए तरीके हैं और वो अपने गोल को फुलफिल करेगा। इस चीज को सुन के ये हाईली लाइकली है कि गाब तब से इरिटेटेड होने लगा रिगार्डिंग मंकी डी ड्रैगन और उसने कुजान को अपने विंग्स में लिया था और वो ऑफ्टनली उसे अपने फैमिली के बारे में बताता और अपने फैमिली के बारे में उसे कंप्लेन करता। लेकिन ड्रैगन की आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में रुकने वाली कहां थी। हर जगह भी लोग इस चीज के बारे में सुनते देन इस चीज में इंटरेस्ट दिखाते, जहां पे ऑप्रेस्ड लोग और आइलैंड्स वन बाय वन रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करते।